वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज मुझे हिमाचल में चौथा दिन है और मैं ज्वाला जी से सीधा आया हूँ। आज मैक्लोडगंज के पास में पड़ता धर्मकोट। वेदर बहुत ही मस्त हो रखा है। अभी मैं हॉस्टल सर्च कर रहा हूँ रुकने के लिए, क्योंकि रूम वगैरह बहुत ही कॉस्टली हैं। देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है और एकदम फॉगी वेदर हो रखा है। देखिए आप, देखते हैं हॉस्टल ठीक ठाक मिल जाता है या नहीं बजट में। चलते हैं आगे। दोस्तों धर्मकोट बहुत ही शानदार जगह है, बहुत सारे फॉरेनर वगैरह यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। आप रूम वगैरह हॉस्टल वगैरह एडवांस में बुक करके आएँ। फाइनली मुझे हॉस्टल मिल गया है मित्रा हॉस्टल के नाम से, और ये वहाँ से बाहर का नज़ारा है पूरा। कुछ भी नहीं दिख रहा है, जबकि हम 1.5-2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ करके आए हैं। शाम के 6:30 बजे अभी। अंदर का भी नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आपको। इसके ऊपर से त्रियुंड की ट्रैक वगैरह होता है। ऊपर भी 1-2 हॉस्टल हैं। जोस्टल हॉस्टल भी इसी लोकेशन में है। ये हॉस्टल का बंक बेड डॉर्मेट्री वाला जो सिस्टम होता है वो है। इसमें 4 बेड हैं। ये मेरे छोटे भाई का है ऊपर वाला, ये मेरा है नीचे। वीकेंड है तो उसे 600 रुपये के हिसाब से दिया, अदर देन तो 300-350 के हिसाब से मिल जाता है ये नॉर्मली। वॉशरूम वगैरह भी है इसमें। अपना लगेज साथ में रखने के लिए ये आपको मिल जाएंगे, बट इसमें लॉक आपके पास खुद का होना चाहिए। ये वॉशरूम है इसमें। ये वॉशरूम है नीट एंड क्लीन पूरा। सोलो ट्रैवलर के लिए अच्छा ऑप्शन है हॉस्टल। पहाड़ों वाली मैगी फाइनली आज हम मंगा ली है। हमने पहाड़ों में हैं हम। शाम का समय है, 5-6 बजे हुए। ये नज़ारा है यहाँ का। गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम धर्मकोट हिमाचल। ये मॉर्निंग का व्यू है। करीब 8-10 बज चुके हैं, 9-10 बज चुके हैं करीब। अभी आज मैं जाऊंगा भक्सू वाटरफॉल और मे बी कल जाऊंगा त्रियुंड। त्रियुंड का वीडियो सेपरेट रहेगा, इसमें भक्सू जो वाटरफॉल है वो कवर करूंगा। इसके पास में मेरा हॉस्टल है जहाँ पर मैं रुका हुआ था। अभी मैं कुछ ब्रेकफास्ट के लिए लेने जा रहा हूँ खाने के लिए। दोस्तों आज के प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है। बक्सू वाटर लेक की जगह मैं आज जा रहा हूँ त्रियुंड ट्रैक। तो ये पूरा रास्ता था त्रियुंड ट्रैक के लिए, करीब 3-3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो पूरा त्रियुंड ट्रैक कवर करेंगे। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, देखते हैं कैसा नज़ारा होने वाला है। अभी करीब 10 बज रहे हैं, तो चलते हैं सीधा आपको लेकर के त्रियुंड ट्रैक। ये रास्ता है त्रियुंड ट्रैक जाने के लिए। दोस्तों जब हम अपने घर पे होते हैं तो ट्रैकिंग के बारे में बहुत सारे माइंड में थॉट्स आते हैं। जब आप एक्चुअल में ट्रैकिंग करते हो तो पता चलता है। अभी मुश्किल से मैं 500-600 मीटर चल कर के आया हूँगा। सांसें फूलने लगी। ये पूरा नज़ारा है, कुछ कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। सो ट्रैक के स्टार्ट होने के बाद करीब 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद में मैं थोड़े रास्ते में बैठा हूँ रेस्ट करने के लिए, और मौसम धीरे धीरे अब खुलने लगा है। ये नज़ारा है चारों तरफ का। ये सुंदर सुंदर से पहाड़ देख सकते हैं आप, और ये हमारे ट्रैक पर जाने का रास्ता है। अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ गए थे यहाँ पे। अब चलते हैं ऊपर अपने ट्रैक की तरफ। धीरे धीरे मौसम भी खुलने लगा है। धूप निकलने की प्रोबेबिलिटी है, मौसम साफ़ हो रहा है। धीरे धीरे मौसम साफ़ होगा तो हमें बहुत ही शानदार नज़ारा दिखेगा ऊपर से।
दिखाता हूँ। दोस्तों त्रियुंड ट्रैक के अभी मैं आधा रास्ता कवर कर चुका हूँ। आप यहाँ जब भी आओ रेनकोट और अम्ब्रेला साथ में ज़रूर लेके आएं, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती रहती है तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं घर से तो नहीं ले गया था, तो मतलब अभी जहाँ से मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था तो वहीं से ले लिया था, क्योंकि मोबाइल कैमरा सारी चीज़ें साथ में हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। एकदम अंधेरा घने बादलों के बीचों बीच बैग को मतलब बहुत दूर दूर जा कर के कुछ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, इक्का दुक्का। दो कपल को पीछे छोड़ कर के आया हूँ मैं, दो लोग जाते हुए दिखे थे, बाकी तो जब से स्टार्ट किया है कोई दिखा नहीं मुझे। ये है पूरा त्रियुंड ट्रैक का रास्ता, एकदम बेस्ट वेदर हो रखा है, जैसा हम चाहते हैं कि पहाड़ों में आकर हमें वैसा मौसम देखने को मिले, सेम वैसा ही मौसम हो रहा है। घनघोर जंगलों के बीच में टेढ़े मेढ़े रास्तों से होता हुआ ये त्रियुंड ट्रैक का रास्ता, ऊपर जा कर के व्यू देखेंगे कि कैसा नज़ारा दिखता है वहाँ से। अभी तो चल रहे हैं, ऐसी हालत हो रही है पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते। अभी 30 मिनट के आसपास का रास्ता रह गया है, करीब 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा हमारा ट्रैक चढ़ने का। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए त्रियुंड ट्रैक पर। रेनकोट जरूर जरूर लेके आना, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा बहुत ही। ये मेरा छोटा भाई ने लगा है, और इस सामने धौलाधार रेंज देख सकते हो आप। ये छोटा सा टेंट है, इसमें हम हमारी जान बची, चाय भी मैगी ली हमने यहाँ से, और काफ़ी सारे लोग इसके अंदर हैं। अभी आना बर्थ हो गया, एकदम फॉगी वेदर हो रखा था तो लगा नहीं था कि मौसम खुलेगा। वाओ सच एन अमेजिंग प्लेस आई हैव एवर विजिटेड इन माय लाइफ। व्यू करीब 2:45 का टाइम हो गया, हमें नीचे भी उतरना, तो नीचे उतरने में भी 2-3 घंटे लग जाएंगे। यहाँ आपको मैगी मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, इसने जान बचाई है हमारी। ये पूरा त्रियुंड ट्रैक है, इधर देख इधर देख, ये छोटा भाई है मेरा। अब चलते हैं वापसी, यहाँ से टाइम में पहुँचेंगे। बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही है, थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है यहाँ से धौलाधार रेंज। आप अगर नीचे भी जा रहे हैं तो ग्रुप के साथ ही जाएं, अगर वेदर ऐसा है तो। अपने साथ पानी, रेनकोट और अम्ब्रेला ये ज़रूर रखें, और अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक अराउंड 6-7 बजे के आसपास में, तब सही है, क्योंकि दोपहर में यहाँ पर अक्सर बारिश आती है। दोस्तों जब वापस आ रहे थे तो बिल्कुल भी पानी नहीं था, और बारिश होने के बाद में एकदम से झरना बहने लगा। ट्रैक के बीच में ही है ये, काफी सारे लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह क्लिक कर रहे हैं, और ये पूरा नीचे जा रहा है। ओ भाई साहब वहां बहुत तेज होता जा रहा है इसका धीरे धीरे।
to make something for you. Seriously, I don't know what to do. दोस्तों आज 26 जनवरी, कल वाले वीडियो को मैं आज फिनिश कर रहा हूँ क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। पूरे कपड़े गीले हुए थे, सारे जूते गीले हुए थे और आज पूरे दिन मैं कहीं पर भी नहीं गया, मेरा गला भी बैठा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि त्रिवेणी ट्रैक का मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और भी आपको आगे वीडियो देखने को मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी भी मेरी आवाज़ प्रॉपरली सही नहीं है तो अभी मैं अपने हॉस्टल से थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ। शाम का टाइम है अभी तो डिनर करने के लिए अभी नीचे किसी अच्छे से कैफ़े पर जा रहा हूँ। ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं, ये जगह का नाम है धर्मकोट। नेक्स्ट वीडियो में